नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मई महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो है वो 1 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने पूरे ही महीने राहु के साथ है 12वें घर में, 12th हाउस में, व्यय स्थान में। तो बुध के साथ युति करेंगे 10 तारीख तक, जो बुध नीचस्थ अवस्था में है। यहाँ लग्न के अंदर देखा जाए तो शुक्र का प्लेसमेंट रहेगा 18 दिनों तक, और 19 तारीख को शुक्र भी आपके द्वितीय स्थान में चले जाएंगे। तो शुरू के 18 दिन तक शुक्र लग्न के अंदर रहेंगे और सूर्य भी 13 दिन तक लग्न के अंदर रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे लगता है कि लग्नेश की पोजिशनिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जब मंगल और राहु की युति बनती है तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन लेता है, छोटी छोटी चीजों के अंदर वो विवाद क्रिएट करता है। तो इस महीने मुझे लगता है कि बहुत पीसफुल रहना चाहिए। किसी भी विवाद को आप व्यर्थ में बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए। सबसे पहली चीज, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और लग्नेश का 12th हाउस में जाना, एफर्ट्स को, आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। आप कितनी भी मेहनत करेंगे और इस महीने आपको वो जो पॉजिटिविटी और जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो हो सके वहां तक सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने स्वास्थ्य को दीजिए इस महीने। और यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंदर आप झगड़े में या किसी भी क्लैश में आप न उलझे तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। शुक्र लग्न में है तो आपका एक तरह से कहा जाए कि जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। शुक्र लग्न में होने की वजह से रिलेशनशिप आपके अंदर बहुत ज्यादा हाइपर रहेगी आपके माइंड में। बुध यहाँ पर आएंगे 10 तारीख के बाद, तो कम्युनिकेशन के लिए भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मगर बुध राहु युति और बुध राहु की युति जो 10 तारीख तक है, तो मुझे लगता है कि बहुत संयम में रहना चाहिए, बहुत पीसफुल रहकर डिसीजन लीजिएगा। बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजंस लेने से आपको बचना चाहिए। और द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में गुरु आए हैं और सूर्य यहाँ पर 14 तारीख के बाद आएंगे, तो फाइनेंशियल गेन बहुत ज्यादा है। शुक्र भी आएंगे एक तरह से 19 तारीख के बाद द्वितीय स्थान में, तो ये जो सेविंग्स का घर है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ वाणी का आप करियर में बहुत अच्छा यूज कर पाएंगे, आप बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे। सूर्य गुरु की युति फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा कार्य करेगी। मुझे लगता है कि ये समय जो यहाँ शुक्र लग्न के अंदर आएंगे फिर आपके द्वितीय स्थान में, फाइनेंशियली ये समय बहुत पॉजिटिव है, बहुत मजबूत है। और 13 तारीख के बाद जैसे ही 14 तारीख से सूर्य का परिवर्तन होता है, तो ये आपके लिए अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। और सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। फैमिली के अंदर कोई भी विवाद है तो उसे बहुत ही शांति से रिजॉल्व करना होगा, मगर फैमिली से आपको फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छा है, वाणी से आपको बहुत ज्यादा लाभ है। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर आपके 12वें घर में है और फिर लग्न के अंदर है, तो देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग और एक तरह से कहा जाए सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, ये सारी ही चीजें जब देखी जाती है, कम्युनिकेशन देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद चीजें आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाएंगे। मगर कम्युनिकेशन के अंदर आपको कहीं पे भी फॉरेन ट्रैवल में या कहीं पर भी आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और यहाँ मुझे लगता है आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बुध जो शुरू के 10 दिन आपको बहुत ज्यादा उतावलापन देंगे,
और कहीं पर भी डीलेज होते हैं तो वहां पर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इस महीने बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन को आप अवॉइड कीजिएगा। भाई बहनों के संबंधों में मुझे लगता है विवाद होने की संभावनाएं बनती है, तो आप जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है वहां पर अगर कोई भी प्रकार का क्लैश होता है तो उसको बहुत पीसफुली हैंडल करना होगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, और यहाँ मुझे लगता है प्रॉपर्टी के बड़े डिसीजंस इस महीने अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मंगल राहु के प्लेसमेंट में 12th हाउस में है, व्यय स्थान में है। ये व्यक्ति को जिस प्रकार की आप कोई भी प्रकार का आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो कहते हैं ना कि फ्रॉड होता है व्यक्ति के साथ, या कहीं पर भी वो जिस प्रकार का उसे दिखाया जाता है उस प्रकार से उसे प्राप्त नहीं होता, तो इस प्रकार के डिसीजंस को इस महीने अवॉइड कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि ये महीने में मन में थोड़ी अशांति महसूस होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है, उतावलेपन में अग्रेशन में ये महीना आप निकालेंगे, और इस वजह से कह रही हूँ कि बड़े डिसीजंस को इस महीने अवॉइड कीजिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश सूर्य बनकर पहले तो लग्न में और बाद में आपके द्वितीय स्थान में। देखिए एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे लाभ हैं। मुझे लगता है कि शुरू के 13 दिन तक आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद भी गुरु के साथ युति बनती है तो एजुकेशन या मास्टर्स करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। और स्पेशली जो लोग हायर लेवल के एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, टीचिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस इस प्रकार की परिस्थितियों में बहुत सपोर्टिव पोजीशन है, और आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पर डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है वो इस महीने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगी। जो कहते हैं ना कि ये महीना काफी रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, तो आप कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़े से डीले जरूर होंगे, मगर आप इस चीज को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाइएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपके कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होंगे। जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर डील कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि इस महीने बहुत ही मतलब बैलेंस होकर चलेगा, बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। संतानों के एजुकेशन के अंदर भी बहुत अच्छा लाभ है आपको। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स लॉर्ड बुध बनकर आपके लग्न के अंदर है तो पहले बुध की नीचस्थ अवस्था और फिर लग्न के अंदर जो स्थिति है, तो ये महीना सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है वो अपने स्वास्थ्य को लेकर है। कोई भी प्रकार का व्हीकल चलाने में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं देता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। जो कहते हैं ना कि यूरिन संबंधित समस्याओं के लिए भी ये समय मुझे लगता है हानिकारक है। तो ये पूरे ही महीने बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन लेने की वजह से, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और स्वास्थ्य को अवॉइड मत कीजिएगा कि मंगल राहु जब भी साथ में होंगे व्यक्ति के स्वभाव में अग्रेशन की वजह से उसके हेल्थ के ऊपर अफेक्ट होता है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को लेकर इस महीने ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बड़े लोन्स अगर लेना चाहते हैं तो ये महीना बहुत फेवरेबल नहीं है। अगर आप ग्रेजुअली लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क इस महीने नहीं लेने चाहिए। मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ पर डेफिनेटली है तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड शुक्र बनकर लग्न में है और ये पोजीशनिंग इनिशियली सूर्य के साथ भी होती है, तो ये जो पोजीशन है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी मैरिज करना चाहते हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही फेवरेबल है। जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत फेवरेबल है। गृहस्थ जीवन में कोई भी प्रकार का विवाद था तो उसे आप रिजोल्व कर पाएंगे और उसको एक बेटरमेंट दे पाएंगे, तो आई थिंक पार्टनरशिप के लिए भी ये समय बहुत फायदेमंद है।
पति पत्नी मिलकर भी कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदेकारक रहेगा। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश मंगल बनकर राहु के साथ है, तो ये जो भी लोग मेडिकल का रिसर्च कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो नर्सिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत फायदेकारक है। और उसके लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत फायदेकारक रहेगा। मुझे लगता है कि रिसर्च ओरिएंटेड हर चीज में आपको लाभ रहेगा। व्हीकल चलाने में डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एम्बिशियस जो कहते हैं व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है तो उसके कारण एक अग्रेशन डेवलप होता है, तो वहां पर आपको थोड़ा पीसफुल रहना होगा इस महीने। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश जो है आपके द्वितीय स्थान में है और नवम भाव का स्वामी बनकर, भाग्य का स्वामी बनकर वो द्वितीय स्थान में है तो सेविंग्स की बढ़ोतरी करता है, पिता से लाभ होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा है और सेविंग्स डेफिनेटली आपको बढ़ती हुई नजर आती है और पिता से लाभ होता हुआ नजर आ, पिता के बिजनेस से या हेरिडिटी से आपको काफी लाभ है। अब बात करते हैं भाव का स्वामी शनि बनकर आपके 11वें स्थान पर है तो ये महीना आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि कार्यस्थल के लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, बहुत मजबूती से आप काम कर पाएंगे। पर वो कहते हैं ना कि व्यक्ति को मानसिक संघर्ष रहता है, कंटिन्यूस एक तरह से आप मेहनत करते रहेंगे और उस वजह से एक व्यक्ति को कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, तो ये मंगल राहु की प्लेसमेंट की वजह से है। बाकी फाइनेंशियली ये महीना बहुत फायदेमंद है गुरु और सूर्य की प्लेसमेंट की वजह से और शनि के कारण आपको बहुत ही अच्छे लाभ होंगे अपने करियर से संबंधित। मगर अभी इस महीने बहुत ज्यादा करियर में चेंजेस अवॉइड कीजिएगा। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th हाउस में शनि है, स्वगृही पोजीशन में है, टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कार्य करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये समय और काफी फायदेकारक रहेगा। 12th हाउस की बात कर रहे हैं, 12th लॉर्ड जो है अब आपके द्वितीय स्थान में है तो खर्च बहुत ज्यादा है ये महीना। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है मगर सामने खर्च उससे भी ज्यादा होगा, हेल्थ के पीछे, मेडिसिन के पीछे खर्च हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे खर्च हो सकता है और अगर आप खर्चों को प्लान नहीं करेंगे तो ये समय आपको बहुत, मुझे लगता है, डिस्टर्ब करके जा सकता है। किस तरह से? आपके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं इस महीने बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली अपने आप को बहुत कंट्रोल लैंग्वेज के साथ आगे बढ़िएगा। लीगल मैटर में किसी भी प्रकार का अग्रेशन दिखाने से बचना चाहिए, अग्रेशन जल्दबाजी इस महीने कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। अपने फाइनेंसेस को हैंडल कीजिएगा बेहतर तरीके से और सबसे बड़ी चीज अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी भी चीजों को नॉर्मल मत लीजिएगा। आप जितना अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहेंगे ये महीना आपके लिए फायदेकारक रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।